students, welcome back to the channel. Myself Ashna Gosodhan and hum discuss kar rahe the Thakur Publication ki book Introduction to Poetry and Phonetics jo ki Kurukshetra University and CRSU University ke sabhi BA third semester ke students ke liye banayi gayi hai and it is based on the latest NEP based syllabus. So students, isse pehle ke jo hamare videos rahe usme hum log ne unit 1 yani ki starting hamare 6 chapters ko discuss kar liya hai and is video mein hum discuss karne ja rahe hain hamara chapter 7 jiska naam hai John Milton's On His Blindness. Okay, so चलते हम हमारे chapter पे या हमारे author पे या poet पे. So John Milton की जब हम बात करते हैं तो John Milton जो है ये एक English poet रह चुके हैं and ये एक काफी intellectual इंसान रहे हैं. इन्होंने civil servant भी रह चुके हैं, civil service भी इन्होंने की है. कहाँ पे? Commonwealth of England under the Council of State and later joined Oliver कॉमवेल. सो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं. सिविल सर्वेंट रहे हैं, पोएट रहे हैं, ऑथर रहे हैं, कई सारी चीज़ें उन्होंने की हैं. एंड ही वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608. सबसे ज़्यादा इनको जो जाना जाता है वो आ जाती है इनकी पोएम या आप कह सकते हो इनकी एपिक पैराडाइज लॉस्ट जो कि इन्होंने 1667 में लिखी थी एंड इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स. एंड ये अभी भी इंग्लिश लिटरेचर की जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो फाइनेस्ट वर्क माना जाता है. इनके अर्लियर लाइफ या इनके बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो ही वॉज द सन ऑफ जॉन मिल्टन सीनियर एंड सारा जेफरी एंड इनके सिबलिंग्स का नाम है एना एंड क्रिस्टोफर. चाइल्डहुड से ही जो है मिल्टन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं अपनी स्टडीज में, ठीक है. एंड इसके अलावा इनका पोएट्री में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अर्ली एज में लोगों को शो होने लगा था. एंड ये जो इनका पोएट्री और म्यूजिक को लेके इंटरेस्ट है ये इनके फादर की वजह से आया था, क्योंकि इनके फादर भी वैसे तो वो प्रोफेशनली नहीं थे वो कंपोजर, बट वो म्यूजिक कंपोज करते थे, पोएट्री भी लिखते थे वो अपनी. एंड इसी वजह से मिल्टन का भी जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक पोएट्री और म्यूजिक में रहा है. इनके जो स्टार्टिंग की एजुकेशन, अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन हुई यानी कि 1620 तक इन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस ली हैं. एंड उसके बाद जो है इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल में ज्वाइन कर लिया एंड उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियस कॉलेज ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 15 एंड इसी के बाद इन्होंने प्रीस्ट बनने का डिसाइड किया चर्च ऑफ इंग्लैंड में. अब जब इन्होंने प्रीस्ट बनने का डिसाइड किया एंड इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, ठीक है. सो एक पॉइंट आया इनके लाइफ में जो कि था 1626 जिसमें इनके और इनके जो आप कह सकते हो टीचर थे या इनके जो मेंटोर थे, ठीक है, दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो गया, दोनों के बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा अलग जाने लगे एंड इवेंचुअली मिल्टन को जो है वो रेस्टिकेट कर दिया गया था. रेस्टिकेट मतलब होता है कि टेम्प्रेरी आपको स्कूल से हटा दिया जा रहा है, आपको यूनिवर्सिटी से हटा दिया जा रहा है. सो इन्हें टेम्प्रेरी इनकी यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया था एंड जब ये वापस आए तो इन्होंने एक दूसरे टीचर थे उनके साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की एंड अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे आप कह सकते हो जब ये प्रीस्ट बनने वाले थे तब के टाइम पे इन्होंने लॉजिक, एथिक्स, ग्रीक, लैटिन एंड हर्ब्यू ये सारी लैंग्वेजेस या ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रिप ली एंड अलग अलग टीचर्स से इन्होंने ये सब चीज़ें सी. इनके वर्क्स की बात अगर हम करते हैं तो इनका सबसे पहला जो मेजर इंग्लिश पोएट्री में वर्क रहा है उसका नाम है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ एंड ये इन्होंने लिखा था 1628 में एंड ये इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए लिखा था. इनके सिस्टर उसी टाइम में कफिंग की वजह से उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज थे जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी एंड उन्हीं को आप कह सकते हो इंस्पिरेशन मान के या उन्हीं पे जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम, फर्स्ट मेजर पोएम इन्होंने लिखी. इसके अलावा अपने कॉलेज के टाइम पे ये काफ़ी अच्छे ओरेटर भी थे, काफ़ी अच्छी ओरेटिंग स्किल्स थी इनके पास जिसकी वजह से इन्हें कई सारी स्पीचेस और एसेस थ्रो करने को कहा जाता था एंड उसमें से एक एसे जो इन्होंने लिखा था वो हेल नेटिव लैंग्वेज पे लिखा था एंड ये अपने कॉलेज के टाइम पे इन्होंने डिलीवर भी किया था. इन्होंने काफ़ी सारी सोनेट्स लिखी हैं, काफ़ी सारे लैटिन वर्सेस लिखे हैं, कई सारी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने अपनी थ्रू आउट अपने करियर में, अपनी लाइफ में एंड इवेंचुअली ऑन 8 नवंबर 1674 ही डाइड. सो ये थे हमारे पोएट जॉन मिल्टन. अब हम चलते हैं इनकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे एंड इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये पोएम सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि एट द एज ऑफ 44 दैट इज अराउंड 1652 इन्हें एक डिजीज हुई थी जिसकी वजह से ये अपनी आईसाइट जो है वो खोने लगे थे एंड एट द
एंड अराउंड 1655 इन्होंने अपनी आई साइट पूरी तरीके से खो दी थी. एंड उसी को रेफरेंस लेके कि मैं अपनी आई साइट खो रहा हूँ, ठीक है, इसी को रेफरेंस लेके इन्होंने ये पोयम लिखी थी. ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टैंजा पे, हम अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं. सो स्टैंजा की लाइन्स है, when I consider how my life is spent, ever half my days in this dark world unwind, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless though my soul more bent, to serve there with my maker and present my true account lest he returns returning child. So इस पैराग्राफ में इन्होंने अपना आप कह सकते हो दुख को व्यक्त किया है, या इन्होंने ये लेमेंट कर रहे हैं. एंड उसमें भी ये कह रहे हैं कि मेरी जो लाइट है, यानी कि मेरी जो देखने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो खत्म भी हो रही है. एंड अब जो है मेरे जो दिन बचे हुए हैं वो अंधेरे में जाएंगे एंड मैं इस डार्क वर्ल्ड को देखूंगा. एंड इसमें जो है मेरे पास सिर्फ एक ही टैलेंट था जिसके थ्रू मैं अपने गॉड को सर्व करता था, एंड दैट वॉज माई राइटिंग टैलेंट. सो ब्लाइंड होने के बाद मैं अपने गॉड को, अपने मेकर को जो है वो सर्व भी नहीं कर पाऊंगा, एंड इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है. ठीक है, ओवरऑल इन्होंने इस स्टैंजा में यही एक चीज बोली है, दैट ही इज वेरी सैड दैट हिज टैलेंट, दैट इज राइटिंग टैलेंट, इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली यूजलेस, बिल्कुल बेकार हो जाएगा. एंड वो इस तरीके से हो जाएगा कि किसी काम का नहीं हो, क्योंकि ब्लाइंड होने के बाद आप लिख नहीं सकते एंड लिखना थोड़ा मुश्किल होता है. एंड ही फील्स कि अगर वो अपने गॉड को सर्व नहीं कर रहे हैं, देन हो सकता है उनको कुछ मतलब गॉड को ना सर्व करने की वजह से उन्हें कुछ पनिश मिले, या वो कुछ नेगेटिव चीज कर रहे हैं कि वो अपना टैलेंट, इतना अच्छा टैलेंट, वो कहीं यूज नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो अब जल्दी से पोएम के कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं, स्टैंजा के कॉन्टेक्स्ट को. सो द पोएट डिस्क्राइब्स हिज डिस्ट्रेस एट लूजिंग हिज साइट, क्योंकि अब वो जो है गॉड को सर्व नहीं कर पाएंगे एंड उनका जो राइटिंग टैलेंट है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस. ओके, एक्सप्लेनेशन. सो मिल्टन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं बहुत ज्यादा ग्रीफ या सैडनेस या अनहैप्पीनेस जब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाते हैं एट द एज ऑफ 44. एंड इसमें वो कहते हैं कि अब जो है मैं इस अंधेरी दुनिया में, इस बड़ी अंधेरी दुनिया में रह गया हूँ. एंड इसमें भी क्या है, इसमें भी वो फील कर रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से हेल्पलेस हूँ, क्योंकि मैं अपने गॉड को सर्व नहीं कर सकता. एंड गॉड ने मुझे एक टैलेंट ब्लेस किया था जो था पोएट्री लिखने का टैलेंट, बट अब जो है ब्लाइंडनेस की वजह से या अंधे होने की वजह से वो गिफ्ट मेरा पूरी तरीके से वर्थलेस हो गया है, विदाउट एनी यूज रह गया है. एंड इसके आगे वो बिलीव कर रहे हैं कि अगर मैं अपने टैलेंट का यूज नहीं कर रहा तो, या मैं अपने टैलेंट को छुपा रहा हूँ, तो वो किसी की हत्या करने के बराबर, यानी कि किसी की मर्डर करने के बराबर होगा, मेरे सोल को खत्म करने के बराबर होगा. एंड आगे वो कंटिन्यूएशन में यही चीज कहते हैं कि अगर मैं अपना टैलेंट नहीं यूज कर रहा गॉड को सर्व करने के लिए, तो क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं ब्लाइंडनेस की वजह से जो मैं अपना टैलेंट मेरा वेस्ट हो रहा है, वो क्या मुझे उसके लिए पनिश किया जाएगा कि मैंने अपने टैलेंट को नहीं यूज किया, आगे क्या होगा, वो इसी चीज को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं. एंड इस लाइन में जो है वो, या इस स्टैंजा में जो है वो, अपने सिर्फ सोरो को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ग्रीफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन हिज सिचुएशन ऑफ हिज अनटाइमली ब्लाइंडनेस. ओके, सो ये हमारा स्टैंजा वन. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे. सो सेकंड स्टैंजा है हमारा, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फाउंडली आस्क्ड बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्टर, दैट मर्मर सून रिप्लाइड गॉड डॉट not need either man's work or his own gift, who bless bear his mild yoke, they serve him best. So इस stanza में एक थोड़ा सा realization उनके अंदर आ रहा है, वो हल्का सा जो उनका grief है वो उससे बाहर जा रहे हैं. ठीक है, and वो कहते हैं कि अगर मैं अपने blindness को खो दिया हूँ, या मैं God को serve नहीं कर पा रहा हूँ, actively नहीं serve कर पा रहा हूँ, तो क्या इसका कुछ हो सकता है, एंड मुझे ये पेशेंस कब तक रखना रहेगा, या कब तक मुझे ये सब चीज़ें, या ऐसी जो लाइफ है मेरी, ये मुझे कब तक झेलनी पड़ेगी. तो इसी में आप कह सकते हो उनका एक इनर मोनोलॉग चल रहा है, जिसमें उनके अंदर से आवाज़ आती है कि गॉड को जो है वो किसी के वर्क की, या किसी की ज़रूरत नहीं, या किसी को गॉड नहीं चाहते, या गॉड को ज़रूरत नहीं है कि कोई उनके लिए एक्टिवली काम करे. ठीक है,
कोई काम करे या उनका जो गिफ्ट उन्होंने दिया है उसका यूज करे, ठीक है। गॉड ने वो आपको दिया है, गॉड हमेशा प्रोवाइड करता है एंड गॉड इज अ प्रोवाइडर। सो वो इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे लिए कुछ करो। सो अगर आप शांति से रह रहे हो, आप जो सिंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो एंड अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मली जी रहे हो, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर द गॉड। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। सो इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि पोयम जो पोएट जो है वो रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है एंड वो धीरे धीरे जो उनका मिसफॉर्च्यून है उसको लेके वो स्माइल कर रहे हैं या वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वो गॉड की विशेस को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उनकी ब्लाइंडनेस क्यों हुई है, गॉड की ही तो विल थी। अब अगर भगवान ना चाहते या भगवान अगर उन्हें किसी और चीज़ से ब्लेस करना चाहते तो वो किसी अच्छी चीज़ से ब्लेस कर सकते थे। उनकी ब्लाइंडनेस या उनकी आईसाइट छीनेंगे गॉड क्यों? सो वो अब पोएट जो है वो फाइनली अग्री करते हैं या वो रियलाइज करते हैं कि मेरी ब्लाइंडनेस जो है वो गॉड की विल। इस स्टैंजा की स्टार्टिंग में जो है मिल्टन जो है वो पूरी तरीके से डिवास्टेटेड है, पूरी तरीके से परेशान है अपनी आईसाइट को लूज करने के बाद एंड वो थोड़ा सा वंडर या कंप्लेन करना भी स्टार्ट करते हैं कि गॉड ऐसा क्यों करेंगे या गॉड ऐसे अनफेयर तरीके से क्यों रहेंगे या वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे एक ब्लाइंड मैन से कि वो एक्टिवली उनको सर्व करे, ठीक है। एंड पोएट जो है वो कब तक पेशेंस रखेगा या कब तक वो अपनी आग्नी को सर्व करेगा, तो इस पे उनका एक इनर मोनोलॉग आता है कि गॉड जो है वो हर चीज़ का मास्टर है, वो पूरे यूनिवर्स का मास्टर है एंड उसे किसी इंसान के काम करने की, किसी इंसान के उनके गिफ्ट को सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। गॉड जो भी जो है गॉड के ऑर्डर्स जो हैं कैरी कर रहे हैं या बहुत सारे लोग हैं जो गॉड के ऑर्डर्स मान रहे हैं, स्पेशली गॉड ने अपने एंजल्स बनाए हुए हैं जो कि उनके ऑर्डर्स हमेशा फॉलो करते हैं एंड वो हर चीज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिल्टन भी हर चीज़ करें या एक्टिवली गॉड को सर्व करें। सो इससे जो है मिल्टन की जो फेथ है गॉड को लेके एंड जो गॉड पे उनका बिलीफ है वो इस्टेब्लिश होता है, वो और स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो गॉड के जस्टिस में बिलीव करते हैं। सो ये रहा हमारा स्टैंजा टू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे या लास्ट स्टैंजा पे। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. So इस line में उन्होंने God की तारीफ करना start किया। पहले lament कर रहे थे, फिर उन्हें realization हुआ and उसके बाद जो है यानी कि हमारे last stanza में वो God की तारीफ कर रहे हैं and वो कहते हैं कि God का जो kingdom है यानी कि हमारे जो universe है ये बहुत ही आप कह सकते हो kingly है या royal है। गॉड को जो है वो एक एक्चुअल एम्परर की तरह ट्रीट करते हैं एंड वो कहते हैं गॉड जो है वो एक हमारे एम्परर हैं, उनका जो यूनिवर्स है वो एक एम्पायर है उनका एंड इसमें इस एम्पायर में जो है बहुत सारे ऐसे उनके सर्वेंट्स हैं। सर्वेंट्स पर्टिकुलरली यहाँ पे एंजल्स को कहा गया है क्योंकि गॉड का काम करने के लिए एंजल्स हर जगह रहते हैं, ठीक है। सो गॉड के एंजल्स जो हैं वो हर जगह, चाहे वो लैंड हो चाहे वो ओशन हो, हर जगह उन्होंने अपने एंजल्स को रखा हुआ है एंड जो उनका काम इफेक्टिवली उनके जो ऑर्डर्स हैं वो इफेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहीं पे कुछ एंजल्स ऐसे भी हैं जो बस एक जगह खड़े हैं, वो गॉड के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। सो अगर कोई गॉड के ऑर्डर का वेट भी कर रहा है या गॉड के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा है, वो कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा तो भी वो गॉड को सर्व कर ही रहा है, ठीक है। सो यही चीज उन्होंने अपने लास्ट स्टैंजा में कही है। स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। सो क्या स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि लास्ट में जो है वो गॉड पे जो उनका अनवेवरिंग यानी कि ना हटने वाला ना हिलने वाला, ठीक है, अडिग जो उनका फेथ है वो और स्ट्रांग हुआ है एंड इस स्टैंजा में जो है उन्होंने गॉड को प्रेस किया है, गॉड की पावर को प्रेस किया है, उन्हें जो है एक मेकर बनाया है एंड उन्हें जो है जो उनकी यूनिवर्स है हमारी यूनिवर्स है उसको जो है एक उनका रॉयल एम्पायर का। सो पेश एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से हो जा रहा है कि मिल्टन के जो पेशेंस है वो उनको अश्योर करता है कि गॉड जो है वो इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, ग्रेटेस्ट क्रिएटर हैं, ठीक है, एंड उन्हें जो है वो किसी आदमी की जो है लेबर की या एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है एंड वो जो है एक ग्रेट किंग की तरह है जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हैं उनका काम करने के लिए एंड उन्होंने इन एंजल्स को जो है वो लैंड में सी में हर जगह आप कह सकते हो पोस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, एंड वो उनका ऑर्डर जो है वो
बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के फॉलो करते हैं एंड गॉड को पूरी तरीके से, गॉड की बातों को पूरी तरीके से मानते हैं. पर कुछ एंजल्स ऐसे भी हैं जो इनइफेक्टिव है, यानी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो बस एक जगह पे खड़े हुए हैं एंड वो गॉड के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं. सो ऐसे एंजल्स जो हैं, जो शांति से खड़े हुए हैं वहाँ पे, वो भी गॉड के जो हैं वो डिवोटेड सर्वेंट्स ही हैं, बट गॉड ने उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो शांति से गॉड के ऑर्डर का बस वेट कर रहे हैं. ये रियलाइजेशन पोएट को होता है तब वो बहुत ही कम्फर्टेड फील करते हैं एंड उन्हें गॉड की जो पावर है, गॉड की जो विल है, उस पर और ज़्यादा यकीन आता है एंड इसी की वजह से उनकी जो, उनका जो फेथ है, डिवोशन है गॉड को लेके, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एंड पोएम के लास्ट में जो है, लास्ट लाइन में जो है उन्होंने लिख दिया है स्टैंड एंड वेट. ये फ्रेज लिख के जो है पोएट बस एक चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि पोएट जो है वो अपना पेशेंस, अपना डिवोशन एंड अपना सबमिशन गॉड के प्रति जो है वो पूरी तरीके से रखते हैं एंड वो इसी चीज़ को इन लाइन्स में डिस्प्ले भी करते हैं. ओके, सो इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन है हमारे चैप्टर 7 का वो कंप्लीट होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा. अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप ये बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट Amazon या Flipkart से परचेज कर सकते हैं. अगर आप इसे किसी अपने मोबाइल डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं, ट्रैवल करते वक्त रीड करना चाहते हैं, तो उसे आप हमारे Google Play Book से परचेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.